नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज लाइव। खबर आजमगढ़ मार्टिनगंज ब्लॉक से है, जहां प्रधान संघ अध्यक्ष ने मार्टिनगंज बीडीओ आजम अली को सौंपा ज्ञापन। उनकी मांग है कि पंचायत सहायक होने वाली भर्ती को रद्द किया जाए या तो उन्हें अलग से वेतन दिया जाए। इस मौके पर मौजूद रहे प्रधान संघ अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव, उपाध्यक्ष बीजेश पाठक, कोषाध्यक्ष दिलीप यादव, प्रधान महामंत्री दिनेश मौर्या जी, राम शकल भारद्वाज, रामाशंकर राम, प्रहलाद यादव, राधा कविता, शीला गौरीशंकर यादव मौजूद रहे। आइए दिखाते हैं हमारे संवाददाता शिवशंकर यादव की खास रिपोर्ट। प्रधान संघ मार्टिनगंज ग्राम सभाओं में नियुक्त होने वाले जो पंचायत सदस्य हैं, पंचायत सहायक और सफाई कर्मी सामुदायिक शौचालयों पर, इनके वेतन की विसंगति को लेकर, विशेषकर ये राज्य वित्त से जो ग्राम राज्य वित्त से जाने हैं, इस समस्या को लेकर हम लोग सरकार के इस निर्णय के खिलाफ विरोध कर रहे हैं कि ये जो इनको वेतन या मानदेय दिया जा रहा है, इसके लिए अलग से व्यवस्था की जाए या तो इस नियुक्ति को रद्द किया जाए। अगर वो अलग से व्यवस्था नहीं देते हैं तो राज्य वित्त से इनका भुगतान जो है वो ग्राम विकास में बाधा बनेगी। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मांग रहे हैं? हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि अगर आप इन नियुक्तियों को पूरा करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप बजट की अलग से व्यवस्था करिए। उस राज्य वित्त से इन बजट के बजट से इनका भुगतान नहीं होना चाहिए। आज हम लोग प्रधान संघ का अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव की अगुवाई में एक ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें जो पंचायत सहायक की नियुक्ति हो रही है सचिवालयों पर, उसके विरोध में, क्योंकि जितने भी पंचायत सहायक की नियुक्ति, उसके लिए कोई फंड सरकार ने अलाउ नहीं किया है, वो हम ग्राम पंचायत के फंड से ही रिलीज होना है। जो बड़ी ग्राम पंचायत छोड़े, छोटी ग्राम पंचायतों में बहुत कम ही पैसा आता है राज्य वित्त या चौदहवा वित्त का, जो ऑलरेडी शौचालय सखी के रूप में जो कार्य कर उसका भुगतान प्लस इसका भुगतान पंचायत सचिव का, तो काफ़ी अच्छा अमाउंट जो चला जा रहा है, लेकिन कहीं से नया फंड नहीं आ रहा। हम प्रधान संघ की तरफ से मांग करते हैं वो नियुक्ति हो, लेकिन हमको फंड दिया जाए, फंड दिया जाए। आप लोग नियुक्ति का विरोध नहीं कर रहे? नहीं, नियुक्ति हो, लेकिन हमको अपने संसाधन से कहाँ से फंड देंगे हम? वो नया फंड दिया जाए। पहले तो हम नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं, नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर नियुक्ति कर रहे हैं तो उसके लिए वो खुद फंड रिलाइज करें, जैसे पंचायत मित्र का है कंट्रेसी मत से दिया जाता है, उसी का भी कंट्रेसी मत दिया जाए, मनरेगा कंट्रेसी मत से, न कि पंचायत फंड से दिया जाए। दूसरी बात, प्रधान संघ की बैठक हुई है, बैठक में हमारे अतिरिक्त ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा जो APU कहा जाता है, जिनको उनके ओमकार यादव द्वारा हम लोगों को मनरेगा संबंधित जो 16 योजना समस्त योजनाएं हैं उसके बारे में विधिवत जानकारी दी है। बंधा निर्माण, पक्का वर्ग या जो भी तमाम ऐसी योजनाएँ जानकारी दी हैं, जिससे हम लोग जानकारी प्राप्त करके गाँव के विकास के लिए खर्च करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान संघ के महामंत्री जी हमारे समक्ष मौजूद, नाम के लिए बताइए कि 21 ज्ञापन दिया गया था। हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक व्यवस्था आई है कि सामुदायिक शौचालय पर एक नियुक्ति की जाएगी वहाँ पर साफ सफाई करने के लिए, और दूसरे एक पंचायत सहायक के रूप में नियुक्ति की जा रही है, जिसमें मानदेय के रूप में 6,000 रुपये प्रतिमा पंचायत सहायक को और 6,000 रुपये प्रतिमा जो दिया जा रहा है सफाई करने के लिए, और 3,000 रुपये दिया जा रहा है प्रतिमा उनके देख रेख के लिए। जी, इस तरीके से देखा जाए तो हमारे ग्राम सभा के ऊपर जो ग्राम के विकास के लिए जो पैसे आते हैं उसमें से वार्षिक रूप से बहुत खर्च पड़ रहा है। अगर हम 5 साल का लिख लें तो 10-12 लाख रुपये का खर्च अलग से जा रहा है। हम लोग यही चाह रहे हैं कि सरकार इसके लिए अलग से व्यवस्था करे, हमारे फंड में राज्य वित्त में इसके लिए अलग से व्यवस्था करके अलग से मानदेय दे, तभी इसकी नियुक्ति को हम लोग स्वीकार करेंगे। अन्यथा इसके लिए हम लोग जन आंदोलन करेंगे और लखनऊ तक जहाँ तक भी हमको जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे और भरपूर विरोध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी, क्या लग रहा है इन लोगों के, आप जो प्रधान संघ की जो मांग है उससे क्या लग रहा है? जी, आज हम लोगों ने जो अभी हमारे अध्यक्ष जी और महामंत्री जी ने बताया उसी विषय को लेकर हम लोगों ने खंड विकास अधिकारी का ज्ञापन दिया है। जो सरकार ने कंप्यूटर सहायक पंचायत सहायक नियुक्ति किए है और इसका वेतन जो भुगतान करना है हमें 15वीं वित्त या राजवित्त से करना है, तो हमारा ये मतलब हम इनकी नियुक्ति का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमें जो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ऊपर जा रहा है कि जो सफाई कर्मी शौचालय की नियुक्ति है उसका हर महीने 9,000 प्लस 6,000, ये हर महीने 15,000 देना है,
और कहने का ये मतलब है कि बहुत सारी ग्राम पंचायतें ऐसी जिनकी 1000 से कम आबादी है, वहाँ का सालाना का वेतन 1.5 लाख रुपये है जो वहाँ का फंड आता है, तो विकास करेंगे कि वेतन देंगे और जनता को क्या जवाब देंगे, इसी के विरोध में हम लोगों ने वीडियो सबको ज्ञापन दिया। सबसे आगे खबरें देखें सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rvnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।